नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, जहां जिले में हो रहे निरंतर चोरियों की वारदात को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा सिंह के निर्देशन में एवं एसडीओपी भारती जाट के मार्गदर्शन पर सिविल लाइन्स पुलिस चौकी प्रभारी सरिता ठाकुर एवं पुलिस टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए मौके से चोरी मामले के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है एवं माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपियों को पेश किया गया है। वही एसडीओपी भारती जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली सिविल लाइन पुलिस चौकी के अंतर्गत विगत दिनों ग्राम लोढ़ा एवं ग्राम बडेरी में चोरों ने समर्शियल पंप एवं अन्य सामग्रियों की चोरी करके मौके से फरार हो गए थे, जहां पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है एवं अन्य चोरियों के फरार आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा जारी है एवं बहुत जल्द अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास पुलिस टीम द्वारा जारी है। गौरतलब है कि जिले में चोरी की वारदात निरंतर हो रही है, जिसके कारण लोगों में भय का माहौल व्याप्त है, लेकिन पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से लोगों में पुलिस के प्रति विश्वसनीयता जागृत हुई है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। उमरिया जिले में अभी जो जगह जगह से चोरियां हुई हैं, पुलिस ने 6 चोरों को पकड़ा है, उनको अभी जेल भेज दिया गया है और भी बहुत सारी चोरियां हुई हैं। यदि उनके भी संग उनका जांच की जाए, जिससे लोगों का विश्वास बढ़े और चोरियां रुके, यही पुलिस से हमारी वो है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द उनका गिरफ्तार करें। उमरिया जिले में चोरी की वारदात सामने आई हुई है, जो निरंतर चोरी का वारदात निरंतर बढ़ते जा रहा है और पुलिस की सराहनीय कार्य से चोरों को गिरफ्तार भी किया गया है, 6 लोगों को। और ऐसे जो चोरियां हो रही हैं, उसमें पुलिस सक्रियता निभा रही है और चोर से और सक्रियता के साथ चोरों को पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं, उन पर कार्रवाई उचित करते हैं। और ये माना जाता है आमतौर पर कि जिस क्षेत्र में चोरी हो रही है, इसका मतलब है कि पुलिसिंग बहुत कमजोर हुई है, तो ये शुभ संकेत है। लगातार चोरियों के बाद अगर कुछ चोरों की गिरफ्तारी हुई है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बाकी चोरियां जो हुई हैं, उसके चोर भी पकड़ में आएंगे। अभी ये जो दुबे कॉलोनी में मेरी सिस्टर के यहाँ भी चोरी हुई और उसमें तो सीसीटीवी फुटेज भी मिले चोरों के, लेकिन अभी तक चोर पकड़े नहीं गए हैं। तो मुझे लगता है कि उस दौर में भी चोर पकड़ती थी पुलिस, जब सीसीटीवी फुटेज नहीं होते थे, जब मोबाइल लोकेशन नहीं होती थी। अब तो इतने टेक्निकल और वैज्ञानिक उपाय आ गए हैं, तो चोरों को पकड़ने में थोड़ी आसानी होनी चाहिए। इसलिए पुलिस को चाहिए कि चोरी बेनकाब करे, चोरों को पकड़े और इस क्षेत्र से उनको जेल भेज करके चोरी की आशंकाओं को निर्मूल करे। उमरिया जिले की जो पुलिस है, चोरी के मामलों में जो है अपराधों में काफ़ी सक्रिय है और जो चोर लोग पकड़े गए हैं, उनमें जो पुलिस की भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े प्रयासों के साथ ये चोरों को जो है पकड़ करके आज न्यायालय से उनको जो है जिला जेल उमरिया निरुद्ध किया गया है और ये उमरिया जिले के पुलिस की जो है बहुत प्रशंसनीय कार्य है। और आए दिन चोरी का वारदात होते रहते हैं गांव में भी, शहरों में भी, और इसी तरह यदि पुलिस प्रशासन ध्यान देते रहेंगे तो हमेशा चोर जो है गिरफ्त में आएंगे और अपराधों का खुलासा होगा और गलत अपराधियों को दोषी। दो मामले सामने आए सिविल लाइन चौकी में, जिसमें एक लोढ़ा में चोरी हुई थी, जिसकी फाइंडिंग 21 मई को की गई है। इनके जो फरियादी है राज बहादुर श्रीवास है, उन्होंने बताया कि इनके खेत से कोई अज्ञात आरोपी सबमर्सिबल पंप को सुला कर ले गया है। इसको तत्काल मामला कायम किया गया और पूछताछ की गई। पुराने आरोपियों से भी पूछताछ की गई जो चोरी के संदिग्ध व्यक्ति थे। तो पूरी विवेचना में 2-4 लोगों का नाम सामने आया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने सबमर्सिबल पंप सरिया के सदैया में जाकर छुपा दिया। चारों आरोपियों को पकड़ लिया गया और सबमर्सिबल पंप को बरामद कर लिया गया। पहला एक और चोरी हुई है 28 मई को बड़ेरी में हुई है। 28 मई को एक क्राइमी की गई है, जिसमें फरियादी ने बताया है कि उसके खेत से लगभग 2000 ईंटें कोई अज्ञात आरोपी चुरा कर ले गया है। इस पर तत्काल क्राइमी करके विवेचना में लिया गया और इसमें भी दोनों आरोपी पकड़ा गए हैं। दो आरोपी हैं, जिसमें एक ट्रैक्टर चालक है जो ले जा रहा था, एक उसका साथी है जिसका नाम है पारस सिंह। दोनों को पकड़ा गया और 2000 ईंटें जो बरामद कर ली गई है। और उमरिया
अनुभाग में जितनी भी चोरियाँ हुई है इसमें हमारी अलग अलग टीमें गठित की गई है और सारी टीमें विस्तृत रूप से प्रयास कर रही है, क्लू डिटेक्शन का काम कर रही है।